instead of hate story? नहीं अगर आपने देखा हो तो लिखा हुआ है open love तो खुला love है भाई समझ गया ना खुला love है सब कुछ खुला है right हमको पता लग गया FB पे open relationship क्या होती है अभी यहाँ पे open love hate story 3 and now it's time to invite the star cast on the Sharman Joshi welcome Sharman Sharman के बाद यहाँ उनको बुला लेता हूँ मतलब इनके आगे बड़े-बड़े actors शर्मा जाते हैं acting के आगे अब वो जिनको देख के हम शर्मा जाते हैं और character थोड़ा डीला टाइप समझ आता है जरीन खान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एंड अब वो जिनके सामने महिलाएं तो महिलाएं लड़कों का भी कैरेक्टर ढीला हो जाता है मतलब जब वो अपनी बॉडी दिखाते हैं लुक्स दिखाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन करण सिंह ग्रोवर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो जब आती हैं तो भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है क्या शायराना वायराना हो गया मतलब आज कमाल की स्टार कास्ट है भाई गिव इट अप फॉर डेजी शाह लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां कम तालियां रुकनी नहीं चाहिए ट्रेलर अभी एक बार वापस दिखाएंगे हम लोग है ना शर्मन दिस वंस फॉर यू हां हिट है ना पहले से अच्छा ओवर हिट अभी देखो कैसे कैसे हिट होगी हिट स्ट्रोक होएगा तुमको है शर्मन मुझे प्लीज बताओ आप यू नो इन द पास्ट द काइंड ऑफ मूवीज यू हैव डन वो थोड़ी अलग थी और यहाँ पे ये क्या है इमेज ब्रेक कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ इस टाइप से Hi, first of all, good afternoon, everyone. Thank you for being here. Hope you all have liked the trailer that we had here to present for you all. Only the unit is cheering. In logo bhi bolne do yaar. Beta, tum log to gaye. But yeah, it's a film that all of us are very excited about and really looking forward to the response to the film that you all will give us on the 4th of December. To answer your question, I've been doing the kind of work that excites me, whichever genre it belongs to. I'm not here to break the perceptions in the minds of the people, because with all due respect to the people, I'm here to do the kind of work that pleases me and makes me happy. And in the bargain, if it goes into breaking perceptions and the images that have been set for me by the audiences, I think that's just a plus. But I'm just doing the kind of work like I like to do. Right. Superb, superb. Zareen, this one's for you. मुझे please बताइए. इससे पहले हमने hit story देखा है और उसमें एक अबला नारी होती है जो पढ़ जाती है बाद में सब पे भारी. तो ऐसी कुछ character होने वाला है इस बार आप? Well, वो तो मैं नहीं बता सकती ना. वो देखने के लिए आपको theater जाने पड़ेंगे 4 December को. अच्छा है. तो थोड़ा सा अपने चरित्र के बारे में कुछ तो बता दो. As in the movie, the अब मैं क्या बताऊँ? I think जो थोड़ा बहुत था वो आप लोग ने देख लिया और जो पूरा है वो आप थिएटर्स में आके 4 दिसंबर को देखेंगे। बस ये कहना चाहूँगी कि अब तक जो मैंने प्ले किया है ये उससे completely different है and yeah I've experimented and I hope you all like it. Thank you. Thank you, thank you. Karan, इससे पहले हमने देखा है you know actresses के ऊपर कई बार इल्जाम लगते थे। भाई इतना expose किया, ये किया, वो किया। बट शर्ट नहीं निकलेगी आपकी तो फील ही नहीं आती मतलब लड़के दीवाने हुए पड़े हैं क्या बोलेंगे उन सबको स्पेशली द गाइस नहीं सबकी शर्ट निकल रही है इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल गया आप लोगों को वन मोर टाइम एक बार वापस से करण प्लीज सब तो हाँ तो ऐसा ऐसा कोई नहीं है हमने एक्चुअली विशाल की भी शर्ट उतार दी थी ड्यूरिंग द शूट तो सबकी शर्ट निकल रही है इस फिल्म में वो बगैर आपको 4th को जाके देखना पड़ेगा बताने नहीं है कुछ एकदम ऐसे सीक्रेट रखा हुआ है प्लीज डेजी मुझे बताइए इससे पहले वी हैव सीन यू इन दिस हैप्पी गो लकी यू नो बबली काइंड ऑफ अवतार में यहां पे थोड़ा वापस से बोल्ड हो गया खतरनाक क्या होगा हां वही है तो बेसिकली मूवी करने का यही मतलब था कि एक एक्टर को वर्सटाइल होना चाहिए तो जय हो के अंदर जो था एज यू सेड इट वाज अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर थिंग वेरी सिंपल गर्ल हैप्पी गो लकी So in this you will see a different shade of Daisy probably. Right, right. बहुत खतरनाक वाला शेड दिख रहा है। हो सकता है। सकता है ऐसे आँख बिटका के। मुझे please विशाल एक आखरी चीज़ बताएं before we open the house for the media. मुझे बोलें ये जो journey थी hate story 2 से 3 तक की, उसमें कितना क्या-क्या similar होगा, क्या अलग होगा? See journey जो थी from hate story 2 to 3 वो exactly Bombay roads की तरह थी। कभी खड्डे, कभी speed breaker, फिर कर करके रास्ता यहाँ ढूँढ के हम लोग एक्सप्रेस वे पहुँच गए। वो डायरेक्ट जाके जब हॉल था वहाँ पे हुआ, so we started the film and I mean within one go we completed the film, within 5 months we completed the film, trailer launch, promotion and release, so I think it was a fantastic journey. Smooth ride. 4 December को देखेंगे हम लोग. Interesting ride, yeah. Yeah, so smooth ride is not that interesting, so we had this a little bumpy ride. Like a Bombay roads. जब shooting पे आए, तभी express पे आ गया था.
बिल्कुल, बाकी सबको धक्का है और ये पिक्चर का यू नो ब्लॉकबस्टर बनना पक्का है. नाउ इट्स ओवर टू द मीडिया एंड बिफोर दैट एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिट स्टोरी 3 की स्टार कास्ट के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन. सवाल जवाब. माइक नहीं चल रही, उनकी माइक नहीं चल रही है. कोई नहीं चलिए. सॉरी, टू गेट, यू कैन यूज दिस माइक. How difficult was it to get the sensor certificate? So difficult nahi. I think now we are also very clever. They are like they are. Hum utna waise hi shoot karte, utna hi banate jitna allowed hai. And of course, we try our best ke push kare, from thoda envelope zyada push kare. So they are doing their job, we are doing our job ke hum bhi thoda sudhre nahi. To wo log sudhar nahi try kar rahe, but we try not to. But in total kitne cuts hain? In total kitne cuts hue? See, abhi right now we in the post production, it's too early to say. बट जैसे होगा पता चल जाएगा. विशाल सर, टू लेफ्ट या कंग्रेचुलेशन टू द टीम फॉर द ट्रेलर. मेरा सवाल आपसे है कि हिट स्टोरी 2 जब आई थी तो मेनी ऑफ द फैंस वर डिसअपॉइंटेड, थोड़ा उन्हें शायद मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी. सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम? आई थिंक ये टाइम वो लोग खुद मेरे घर पे आके बुके देखे जाएंगे कि जो वहाँ पे नहीं था वो यहाँ पे सब है. एंड टॉकिंग अबाउट मूवी, जो सेंसर से आप इस बार का कैसा यू नो सपोर्ट या अप्रिसिएशन चाहते, मतलब क्या चाहते इस बार जिस तरीके से अभी सेंसर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी एक्चुअली दे आर डूइंग देयर वर्क, सो उनके लिए उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं है ना उनको हमारे अगेंस्ट है. द ओनली थिंग वी आर डूइंग आवर वर्क एंड दे आर डूइंग देयर वर्क. सो द ओनली थिंग कभी कुछ होता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम एंड आई थिंक दे आर क्वाइट सेंसिबल टू अंडरस्टैंड नाउ. आई जस्ट ऐड टू दैट, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट. वी गाइस कैन सिट, यू नो बैठ के वी कैन डू द ऑनर्स. पनिशमेंट थोड़ी है. हाय विशाल, हियर. आई जस्ट ऐड टू द क्वेश्चन अर्लियर. द फैक्ट इज दैट यू नो इट इज अ फिल्म व्हिच इट्स एन अडल्ट फिल्म एंड देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट. वी कुड फिगर इट आउट इन दिस हॉल इटसेल्फ. द क्वेश्चन टू यू इज, has it been made with the sensibilities of the censor board currently, because you know it's a very scissor hungry censor board today, or you have really gone out and done it for the audience the way they like it? But I know one thing, what we make films is commercial films. Agar hum log exactly wo soch ke chale to I think films bhi nahi banegi, I think interval tak hi khatam ho jayegi. But I think today what we make for commercial people. And the only thing we need to do for the people we make, we have to fight for them. And that's what we are doing it sometimes. If kabhi kuch cutvat mil gaya, so we fight for them. The only reason is like, it's a commercial film and we have to, jo kiya hai, wahi dikhana hai. Okay, of course, this is the third film in the franchise. See, 1, 2, 3 ka to revenge hai. 2, 3 ka to main hoon. Aur 3 ka, I think all the three story films are like the revenge story. That's the revenge, yeah. Zareen, you're in the center. Hi. Actually, what when Vishal came to you for the film, because the role is quite bold for you, and did you ever thought that doing such kind of role? Well, I was very skeptical in the beginning, but when I met Vishal and when he narrated me the film, and I think over a period of time he became a really good friend, and I think he has great convincing powers. And all of us have become great friends, so I don't think it was really difficult. Yeah, but in the beginning, I was a little skeptical, but then in the end, it was all right. Daisy, talk to that. And did you go to Salman and spoke to him regarding that, yeah, you have got this role? So what was his reaction? We just want to know. I had taken a back seat for not doing this movie, but actually, Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me with Vishal that you should do this, because the role is completely different from Jai Ho. And as I said, that an actor should be open to all kind of roles. So I really want to push. This is something that I've pushed myself further. So I have. This is not a very safe zone, but again, I wanted to try it. I wanted to do it, so I did it. Honestly, I don't think he knew for the longest that I was doing this film. So, yeah. Karan, आपका जो किरदार अलोन में भी कुछ इसी तरह का था, और इस फिल्म में भी आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल के कुछ ऐसा करेंगे क्या? शायद आपने अलोन देखी नहीं है,
और शायद आपको ये ट्रेलर समझ नहीं आया तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. अगर अगर एक एक्टर दो फिल्म्स में किस करता है तो उसका किरदार सेम नहीं हो जाता. नहीं कर पाऊंगा किस तरह का किरदार है. इट्स काफी डिफरेंट शेड्स हैं इस रोल में जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता ऑब्वियसली. तो ये कह सकता हूँ कि इसमें काफी सारे शेड्स हैं. जी शर्मन Was there a slight tennis match in your mind before taking up this project? No, there was no confusion in my mind. When the idea of this project was discussed, I was quite sure I wanted to be a part of it. As far as it being a change in terms of what I've been doing, yes, it is. I've not done erotic thriller earlier. But the idea is, I think, I could have possibly done it 4 years back also, and I would have been comfortable. It was just a question of finding the right one. I found it, and I am very happy that I was a part of it. Sharman, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपकी फिल्म अगर पिछली फिल्म फ्लॉप होती है या हिट होती है तो उससे कितना फर्क पड़ता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर आपके चूज करने में? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क मार्केट स्टैंडिंग में पड़ता है. नेचुरली कमर्शियल सिनेमा है, लेकिन मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूँगा उसके बाद दैट डजंट इम्पैक्ट माई डिसीजन. Okay, Sharman, my question is to you. We saw the song, you know, it is super hot. Kitna uncomfortable or comfortable the aap, as well as you can hear me, it's okay. You know, the song is mind-blowing. You have seen the response. Even it's the same question to Zareen. You know, doing a love-making scene with front of entire unit. How comfortable or uncomfortable you are? I think I was extremely comfortable. Also, I think due credit should go to Zareen and the rest of the crew. Because it's part of the job. We are professionals. We are here to enact our parts, and which requires a love-making scene. We've gone out and done that as any other scene that one would approach. I am glad there is such hue and cry about love-making scenes in India, because that ensures a good opening for the film. But apart from that, in my mind, it's no big deal. Well, you know, we shot the song towards the end of the film, and by then I think we were quite comfortable with each other and we knew each other. So, and we are actors. I mean, this is part of our job. So it's mechanical. Sharman, towards your left, here. Hi. Sharman, there was some confusion regarding who would be playing your character. Initially it was you, then Gurmeet stepped in, then Gurmeet went out, then you came in. What was it all about? I don't know the exact issue of what happened with Gurmeet, but I can tell you what happened with me. There were some date issues, and they were not working out. We were preponing the film. Eventually, the film did get pushed back, and my dates were available, and I was asked whether I would still want to be a part of it, and I was a part of it. Another thing that made news was about you going naked for a scene in the movie. Yeah, nude or what? Yeah, butt naked is what I had said. I was speaking to a journalist, and I had mentioned that if a film of certain aesthetics comes my way and it's something that I feel requires to be done, then I can even go to the extent of going butt naked. Forget kissing scenes, that's hardly an issue. And it was made to, I mean, the highlight was made that bhaiya, Sharman is going butt naked, but that also suited me. At least people must have read the article effectively. Karan? No, I think Karan is disappointed. I'm not disappointed. No, just kidding. But that's what I had said, and that was that. Karan, you sizzled with Bipasha and Alone. Your fans are eagerly waiting for another outing with Bipasha again on screen. Given the fact that you guys are good friends off screen, so can we? When do we see you guys again in a movie? How is this related to H-Story 3? Please tell me. This is related to you. This whole thing is about H-Story 3, not about me. I'll give you another question, Chal. No, that is my question. This is deleted. Next. Hi, Karan. Hi. This is Karan. Karan, आपने Hi, Ravi. Hi. Hi. Karan, आपने अपना film career अभी शुरू किया है और आपने जो promo देखा है उससे लग रहा है कि आपका किरदार negative है. तो किसी की तरह का apprehension था जब आपने हाँ कहा इस role के लिए और fans के मन में आपके लिए खास image है hero वाली. तो negative किरदार निभा रहे हैं आप शायद. As an actor, this
जितने डिफरेंट तरीके के किरदार हम निभा पाएं वो हमारे लिए चैलेंज होता है और वो ही अच्छी बात होती है. अगर एक ऑडियंस का परसेप्शन है हमारे बारे में एक्टर्स के बारे में और उन्हें वैसे ही रोल्स करने चाहिए और वो वैसे ही रोल्स करते रहें तो एज एन एक्टर ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो when दिस रोल वॉज ऑफर्ड टू मी आई वॉज वेरी किक्ड अबाउट इट क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया. एंड आई थिंक जब लोग देखेंगे तो आई होप दे ऑल्सो लाइक इट. करण, एडिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑन योर लेफ्ट, बिपाशा का किस तरह का रिएक्शन था इस आपके इस कैरेक्टर को देखकर? वो आपको बिपाशा से पूछना पड़ेगा. वो जब मिलेंगे जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पूछिएगा. अभी हम लोग एज स्टोरी 3 की बात करते हैं और उनका रिएक्शन आप उनसे पूछिएगा. ओके, शुक्रिया. ज़रीन एंड डेज़ी, अ क्वेश्चन कॉमन टू बोथ ऑफ यू. यू नो, वी हैव नेवर सीन सलमान वर्क विद यू गाइस एवर अगेन. आई मीन, आई थिंक ही हैज ओनली वर्क विद कैटरीना, द गर्ल्स अमंग द गर्ल्स दैट ही हैज लॉन्च्ड. सो व्हाई इज इट दैट ही हैज नॉट बीन रिपीटिंग यू गाइस इन हिज I think, yeah, we're going to use his thing. Please ask Salman about that. No, I thought you would come up with something new. Worked with Sonakshi. Yeah, really inspired by him. At least I am. So I'm going to be using his line. Daisy, I think you will come up with something original. Your question is that why he doesn't repeat his heroines, right? Except for Katrina. I don't think he has. He's worked with Sonakshi. He's worked with Asin. There's your answer. So when will Daisy and Zareen happen? Soon, very soon. Daisy, mere sawal aapse hain. आपने इस फिल्म के लिए सलमान से बात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये फिल्म करें. कंगना ने भी सलमान से बात की थी और उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो कट्टी बट्टी करे, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हो गई है तो उनकी टीम सलमान को ब्लेम कर रही है. तो अगर खुदा ना खास्ता ये फिल्म नहीं चल पाई तो क्या आप सलमान को इसके लिए ब्लेम? हम बड़े पॉजिटिव हैं हमारी फिल्म को लेकर, हमारी फिल्म चलेगी. करंट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यू रोमांस बोथ द ब्यूटीज इन द मूवी. You have romanced both the beauties in the movie. So, agar main aapko bolun ki aap in dono ko score karein out of 10, to kaise score karenge? Main to ye to question aap bahut dangerous question pooch rahe hain. Main kuch ko score nahi karne wala hu, but I can just say that I'm extremely lucky. Phir bhi agar score karna ho to out of 10. See, aap ye joote padwane wale baat kar rahe hain. Sorry. Karan, you love story or you hate love story? Which one is the love story one? I love hate story. Chalo. Hello, thank you. We waiting for the trailer. Wo gana jo hai. वो वील प्ले दैट वन मोर टाइम. शांति सुनील भैया है ना. सो वील कम बैक टू दिस, बट बिफोर दैट योर इट्स ओवर टू यू है ना. हो जाए Thank you.
या इंडिया किधर है सर आप